भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहला वनडे मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग अभी तक नजर आ रहा था। इंग्लिश कप्तान और मॉर्गन के दिए गए बल्लेबाजी के न्योते को भारतीय टीम ने काफी अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया। पहले तो रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया, फिर विराट और शिखर के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। लेकिन इसके बाद 30 से 40 ओवर का जो फेज था वहां से अंग्रेजों ने पूरे तरीके से मैच का रुख पलट कर रख दिया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टीम इंडिया पूरे तरीके से अब ऐसा लगता है कि बैकफुट पर नजर आ रही है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 320 से 335 के स्कोर को आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन इस बीच काफी अच्छा यहाँ पर गेंदबाजी आक्रमण जो इंग्लिश टीम का था उसने मैच में वापसी कराई और यहाँ पर शिखर धवन जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट यहाँ पर दिला दिया है इंग्लिश टीम को बेन स्टोक्स ने। 106 गेंदों में 98 रन बनाकर आउट हुए। 38वें ओवर की पहली गेंद पर पुल करना चाह रहे थे, शतक के पास पहुंचना चाह रहे थे और यहां पर स्टोक्स ने एक और सफलता दिला दी। इससे पहले उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट यहां पर चटकाया था। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम यहां पर अप्रोच करती है और किस तरीके से मैच को आगे लेकर जाती है टीम इंडिया। लेकिन ये तो जो लग रहा था कि भारतीय टीम शायद जो कि बड़ा स्कोर बना सकती है उस स्कोर तक नहीं पहुँच पाएगी ऐसा दिख रहा है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.